हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कैसे आप गिरावट को पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी जो डाउनफॉल मूव आने वाला है उसको हम कैसे पहले काफ़ी हद तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कुछ ना कुछ हिंट और इंडिकेशंस प्रोवाइड कर देता है, चाहे वो कैंडलस्टिक के जरिए हो या फिर चार्ट पैटर्न के जरिए हो। अगर हम उसको सही टाइम पे रीड कर पाए तो हम काफ़ी हद तक डाउनफॉल मूव गिरावट को पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि सबसे पहले अगर आपने बाय पोजिशंस इनिशिएट किया है तो कहाँ आपको प्रॉफिट बुक करना उसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा, यानी आप सही टाइम पर मैक्सिमम प्रॉफिट डिराइव कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कई बार आप जहां पे सेल करना चाहिए, जहां से गिरावट शुरू होता है, वहीं पे आप बाई कर लेते हैं और ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इसके जरिए आप ट्रैप से भी बच सकते हैं और आप सही टाइम पे सेल करके मैक्सिमम प्रॉफिट डिराइव कर सकते हैं। तो ये आपको मल्टीपल फ्रंट पे बेनिफिट करने वाला है। तो आज हम इसी के ऊपर डिटेल से बात करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब हम चार्ट पे आ गए और देख सकते हैं ये आपका श्री सीमेंट का डेली चार्ट है। तो इस तरह का अगर आपको कुछ भी आइडेंटिफाई करना है तो आपको हमेशा डेली चार्ट ही यूज करना होगा, क्योंकि वहीं पे हमें कैंडल में मैच्योरिटी दिखता है और उसके बाद ये चीज सीखने के बाद आपका इंप्लीमेंटेशन कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम आपको आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि डाउनफॉल यानी गिरावट को कैसे आप पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे हम एक कैंडलस्टिक का हेल्प लेने वाला है। और यहाँ पे जो हम कैंडलस्टिक का हेल्प लेंगे उसका नाम है आपका शूटिंग स्टार। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे लेकिन बहुत सारे लोगों के बारे में आइडिया नहीं होगा। तो अगर आपको कैंडलस्टिक का नाम याद भी नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ, बस वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ देखना है, सबसे पहले आपको शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक देखना है। ये कैंडलस्टिक होता कैसा है, जिसमें आपको लॉन्ग टेल एट द टॉप देखने को मिलेगा और इस तरीके का कैंडलस्टिक। तो इस तरीके का कैंडलस्टिक आपको आइडेंटिफाई करना है। कहां पे आइडेंटिफाई करना है, रेसिस्टेंस लेवल के पास। तो यहां पे आपको एट द सेम टाइम दो चीज आइडेंटिफाई करना, रेजिस्टेंस लेवल और रेजिस्टेंस लेवल के करीब शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक, ऐसा वाला कैंडलस्टिक याद करना है, आइडेंटिफाई करना। नाम नहीं भी याद रखे कोई दिक्कत नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, ऊपर में लॉन्ग टेल, नीचे में छोटा सा टेल और बीच में छोटा सा बॉडी होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करना है। तो देख सकते हैं यहाँ से प्राइस आपका नीचे लौटा, फिर वापस गया, यहीं से प्राइस नीचे लौट गया। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल का फॉर्मेशन किया, यानी यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस लेवल मिल गया। अब हम देखते हैं कि क्या रेजिस्टेंस लेवल के पास कहीं कोई इस तरह का कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। तो देखते हैं ऐसा कोई कैंडल फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपका यहां पे फॉर्म नहीं हुआ है, यहां पे फॉर्म हुआ, देख सकते हैं ये जो कैंडल है आपका, ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक है, जो कि आपका कहां पे फॉर्म हुआ, रेजिस्टेंस लेवल के पास फॉर्म हुआ है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करना है। दूसरा पॉइंट है कि हमें इस कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करना है। अब तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो हमें क्या देखना है कि ये कैंडलस्टिक बनने के बाद हमें यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इसके बाद सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, सेलर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये हमें देखना है। अब ये हमें कैसे देखना है, उसके बाद हमें स्ट्रांग रेड कैंडल चाहिए जिसका क्लोजिंग इस कैंडल के नीचे चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर देते हैं, तो देख सकते हैं इसका लो यहाँ पे, और उसके बाद अगला जो कैंडल बना आपका रेड कैंडल बना, यानी यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि सेलर्स मार्केट में दबदबा बनाए हुए, सेलर्स का मार्केट पे कंट्रोल है और इस कैंडल का जो भी लोएस्ट पॉइंट है उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। डैट मीन्स टू इसके बाद सेलिंग मोमेंटम आया है, मतलब ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई किया। सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल के करीब आपका शूटिंग स्टार कैंडल बना है, ये वाला कैंडल बना है, फिर तीसरा इसके बाद सेलर्स हावी हुए हैं। तो जैसे ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, हम यहाँ पे क्या फाइंड कर लिए कि मार्केट अब यहाँ से नीचे गिरने वाला है, यानी हम यहाँ पे डाउनफॉल को अर्ली प्रिडिक्ट कर लिए बेस्ड ऑन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स।
अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर आपने बाई चांस इस लेवल या इस लेवल पे कहीं पे भी बाई किया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेल करके मार्केट से बाहर निकल जाना है। ठीक है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना, सेल करके मार्केट से बाहर निकलना, यही सही समय पे आपको मार्केट से एग्जिट करके ये बताता है। उसके बाद दूसरी बात कि यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिला है। अब बहुत सारे लोग इस तरह का स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने के बाद क्या कर सकते हैं, बाय साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आपने देख लिया कि ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई कर लिया, मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो आप यहाँ पे बाइंग को अवॉइड करेंगे और इस तरीके से आप ट्रैप से बच सकते हैं, आप ट्रैप को भी अवॉइड कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे क्रूशियल बेनिफिट जो मिलता है, यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ पोजीशंस लेके प्रॉफिट बना सकते हैं, सेल करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बना सकते हैं अच्छा खासा, ट्रैप से बच सकते हैं और साथ ही साथ सही टाइम पे मार्केट से एग्जिट भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इनिशियल में ही बताया था, मल्टीपल फ्रंट पे ही हमें बेनिफिट दे रहा है और यहाँ पे हमें देखिए मल्टीपल फ्रंट पे बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है और इस डाउनफॉल मूव से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। टारगेट प्राइस की बात करें, प्रीवियस स्विंग लो, तो पहला टारगेट प्राइस आप यहाँ पे रख सकते हैं, दूसरा टारगेट प्राइस आप यहाँ पे रख सकते हैं और तीसरा टारगेट प्राइस ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसके करीब आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों टारगेट प्राइस हमारा हिट हो गया और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस डाउनफॉल को काफ़ी अर्ली प्रिडिक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, देखिए शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन आपका यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई क्रूशियल या फिर स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है? नहीं है, उस तरह का फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिला, इसलिए इसका ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, इसको हम इग्नोर कर देंगे। कोई स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर इसका फॉर्मेशन होगा तभी इसका इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके बेसिस पे कोई हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाले, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इस तरह के कैंडलस्टिक के बारे में अगर आपको और डिटेल से सीखना फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो आप हमारा कोर्स इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे आप कोर्स के लिए जा सकते हैं और वहाँ पे आपको कैंडलस्टिक से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा, एडवांस लेवल तक सारा कुछ मिल जाएगा और कैंडलस्टिक के बेसिस पे आपको यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिल जाएगा। और यही नहीं, इसके अलावा आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एक सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, फ्यूचर ऑप्शन से रिलेटेड पूरा डिटेल्स के साथ मिल जाएगा, आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिल जाएगा, टेक्निकल एनालिसिस मिल जाएगा, प्राइस एक्शन मिल जाएगा और हमारा मंथली सब्सक्रिप्शन भी है, वहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स दिए जाते हैं। तो इसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके इन सारे कोर्स के लिए आप इनरोल कर सकते हैं, जो कि आपका ये सारा पेड कोर्स है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री कॉन्टेंट भी मिलेंगे। तो अगर आप हमारे मोबाइल ऐप पर आते हैं तो वहाँ पर फ्री में भी आपको बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड कराए जाएंगे। सबसे पहले आपको डेली मार्केट अपडेट मिलेगा, फ्री न्यूज़ अपडेट मिलेगा, FII DII डेटा के बारे में अपडेट वहाँ पे आपको मिलता रहेगा, ग्लोबल मार्केट का अपडेट मिलता रहेगा, ग्लोबल मार्केट का क्या व्यू है, कौन कौन से स्टॉक्स को आपको देखना वो आपको पता चल जाएगा, टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स क्या है, कमोडिटी मार्केट के बारे में भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो ये सारे फ्री कंटेंट है जो कि आपको हमारे मोबाइल ऐप पे मिल जाएंगे, इसलिए आप हमारा मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पे आपको जाना है और इक्विटी टू कमोडिटी जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है वो आपको टाइप करना, फिर आपको हमारा मोबाइल ऐप दिख जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो मोबाइल ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी क्लिक करके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे हम आ गए भारती एयरटेल के डेली चार्ट पे। अब यहाँ पे आपको एक डिफरेंट तरीके का एग्जांपल देखने को मिलेगा। देख सकते हैं अगर हम बात करें तो प्राइस आपका ऊपर गया है और इस लेवल के करीब हमारा एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है। अब क्या हुआ, प्राइस उसके ऊपर गया, ज़्यादा ऊपर नहीं गया और यहाँ पर आपका क्या फॉर्म कर दिया, शूटिंग स्टार, जैसा कि कैंडलस्टिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस तरह का कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कर दिया, यानी जैसा कैंडलस्टिक के बारे में हमने बात किया था इस तरह का कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन किया है, यानी लॉन्ग टेल एट द टॉप। यानी अगर आपको कैंडलस्टिक का नाम नहीं याद है तो आप ये ध्यान कर लीजिए कि जो टेल है वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे लॉन्ग टेल एट द टॉप है। लॉन्ग टेल एट द टॉप का मतलब है कि सेलर्स मार्केट को कंट्रोल किए हुए हैं और इसका मतलब है कि डायरेक्शन क्या होगा, इसके बाद नीचे साइड की तरफ डायरेक्शन होगा, लेकिन कुछ कंडीशन है कि नीचे साइड की तरफ डायरेक्शन कब होगा, इसके बाद अगर सेलर्स एक्टिव होंगे तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो तीन पॉइंट हमें देखना है वो तीन पॉइंट सेटिस्फाई हुआ है कि नहीं हुआ हम देखते हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल है, यानी पहला पॉइंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। दूसरा एक रेजिस्टेंस लेवल के पास आपका ये कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, इस तरह का कैंडल का
हम नाम पे फोकस नहीं करें, कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरा पॉइंट, क्या इसके बाद फॉलो अप सेलिंग हमें देखने को मिला, क्या इसके बाद सेलर्स यहाँ पे एक्टिव है या नहीं है वो हमें देखना पड़ेगा। तो इसके बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन आ गया है, यानी यहाँ पे हमें इसके बाद सेलर्स एक्टिव होता हुआ नहीं दिखा और क्लोजिंग भी इस कैंडल के लो के नीचे नहीं मिला है। तो यहाँ पे अभी हम सेल साइड की तरफ जाना अवॉइड करेंगे, हम और वेट करेंगे कि इसके बाद सेलर्स एक्टिव होते हैं कि नहीं होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो सेलर्स तो एक्टिव हुआ है, लेकिन उसके बाद हमें एंट्री करने का मौका कहाँ पर दिया, यहाँ पे हमें एंट्री करने का मौका दिया है। और हमारा स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे काफ़ी ऊपर बन रहा है और हमारा जो एंट्री बनेगा वो लगभग इसके करीब बनेगा, और टारगेट प्राइस की बात करें तो फर्स्ट टारगेट प्राइस हमारा इसके करीब होगा। तो यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस को डिफाइन करें, दोनों लगभग आपका एक साइज का ही आ रहा है, जितना हमारा टारगेट है उतना ही हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। मतलब यहाँ पर हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो हमारे फेवर में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ को देखना, मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया कि सब कुछ होने के बाद आपको लास्ट में क्या चेक करना है, रिस्क रिवॉर्ड। अगर ये हमारे फेवर में होगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं तो ट्रेड हम नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, सब कुछ है, तीनों कंडीशन को इसने सेटिस्फाई किया कर दिया है ये कैंडल फॉर्म होने के बाद, थोड़ा लेट किया लेकिन तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। लेकिन जब तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हमने क्या देखा कि रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में नहीं है। तो सारा कुछ होने के बावजूद भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कब हमें ट्रेडिंग अवॉइड करना, जो भी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसके बेसिस पे कब ट्रेड नहीं लेना है। उसके लिए सबसे बेहतरीन है कि आप रिस्क रिवॉर्ड चेक कर लीजिए, वो फेवर में है तो ट्रेड लीजिए, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना है। तो यहाँ पर प्राइस नीचे भी गिरा है लेकिन हमें ट्रेड नहीं लेना है। कई बार इसी तरीके का ट्रेड लेने पर आप बुरी तरीके से ट्रैप हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम और डिफरेंट एग्जाम्पल पर आते हैं। अब हम यहाँ पर आ गए रिलायंस इंडस्ट्रीज के डेली चार्ट पे। अब यहाँ पे भी देखिए आपका ये जो लेवल है ये आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम किया, प्राइस नीचे गया फिर ऊपर आया, वो मेरे काम का चीज़ नहीं है। हम देख रहे हैं कि वापस से जब रेजिस्टेंस लेवल के करीब आया है तो पहला पॉइंट है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है, और वापस से जब रेजिस्टेंस के करीब आया है तो हमारा शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन किया है नहीं किया है वो हमें चेक करना है। और जब हम यहाँ पे चेक किए तो देख सकते हैं ये उससे मिलता जुलता लगभग शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन किया है। एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन लगभग 90% मैच कर रहा है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे और फॉर्मेशन हुआ है। अब हमें तीसरा पॉइंट क्या चेक करना कि इसके बाद सेलिंग प्रेशर आया है या नहीं आया। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे छोटा सा आपका ग्रीन कैंडल हुआ, मतलब क्लोजिंग इसके लो के नीचे नहीं दिया। उसके बाद अगला कैंडल क्लोजिंग इसके लो के नीचे दिया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे किस तरफ, सेल साइड की तरफ, और ये जो पॉइंट होगा मेरा एसएल होगा। और यहाँ पे एसएल मेरा ज़्यादा बिग नहीं है, ठीक ठाक एसएल है। और यहाँ पर हम दो तीन काम और कर सकते हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपने यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर बाई किया है तो आपको क्या करना, सीधे एग्जिट करना, और बाई किया है तो प्रॉफिट बुक करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप बाई साइड की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपको नहीं जाना, बाई पोजीशंस आपको छोड़ देना, बाई साइड की तरफ पोजीशंस नहीं लेना, ट्रैप से बच सकते हैं। तो मल्टीपल बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं क्लियर कर देता हूँ, ये पॉइंट मेरा एसएल बन गया और इस लेवल के आसपास यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंट्री लेंगे सेल साइड की तरफ, प्राइस ऊपर गया लेकिन मेरा एसएल हिट नहीं हुआ। उसके बाद प्राइस आपका नीचे गिरा है और फर्स्ट टारगेट प्राइस की अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस हो जाएगा, सेकंड टारगेट प्राइस ये हो जाएगा, थर्ड टारगेट प्राइस ये हो जाएगा, तीनों टारगेट प्राइस को इसने हिट किया है, T1, T2 और T3 को। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो गिरावट है उसको हम अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गिरावट को हमने यही तीन क्राइटेरिया को फॉलो कर किया तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसके बाद मार्केट नीचे गिरने वाला है। और जब हमें पता रहता है कि मार्केट का अगला मूव क्या होगा तो मार्केट कभी भी हमें शॉक नहीं देता है, और जब मार्केट आपको शॉक नहीं देगा तो मार्केट में लॉसेस के चांसेस कम रहते हैं। यहाँ पर आप दो काम कर सकते हैं, सेल साइड की तरफ जाके पोजिशंस लेके प्रॉफिट बना सकते हैं, या नहीं तो आप मार्केट से दूरी बना के रख सकते हैं, यानी एटलीस्ट आप प्रॉफिट में जाएंगे, या नहीं तो आपको कुछ भी लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिटरली क्या कर रहे हैं, लॉसेस को भी अवॉइड कर रहे हैं। और मार्केट में अगर आपको लंबे समय तक बने रहना तो ये टेक्निक आना चाहिए कि कहाँ पे हमें लॉसेस को अवॉइड करना। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा
और इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अगर आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो हमारे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। इससे हमें इनकरेजमेंट मिलेगा, और हम इस तरह के कंटेंट आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप वीडियो को मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।